नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मेहमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, झांसी से मिल रही है। झांसी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया, धमाके के बाद में बारूद के गोदाम में भीषण आग लग गई है। पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी मिली है। समथर थाना क्षेत्र में चल रही थी पटाखा फैक्ट्री, तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है और कई सारा सामान जो था फैक्ट्री के अंदर वो जलकर राख हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है और आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है। तो झांसी से ये तस्वीरें आपके सामने, पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद है और पटाखा फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई है, धमाका हुआ और धमाका होने के बाद में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम और साथ ही पुलिसकर्मी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में झांसी से संवाददाता अश्विनी जुड़ गए हैं। अश्विनी, कैसे हुआ ये धमाका और फिलहाल क्या अपडेट है, क्या आग पर कंट्रोल पा लिया गया है? देखिए, धमाका तकरीबन एक घंटे पहले हुआ था कि एक बारूद की फैक्ट्री चल रही थी, उसमें गोदाम बना हुआ था, वहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में बारूद रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि उस कारखाने फैक्ट्री में कई महिलाएं कई पुरुष काम कर रहे थे, पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। अचानक संदिग्ध हाल में वहां पर विस्फोट होता है, पहले आग लगती है, इसके बाद एक के बाद एक लगातार विस्फोटों से चले जाते हैं। इस धमाके के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। जानकारी ये मिल रही है कि तकरीबन आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने, स्थानीय जो ग्रामीण है उन्होंने किसी माध्यम से अस्पताल पहुंचाया है। इसके बाद अब मौके पर पुलिस को प्रशासनिक अधिकारी पहुंचने वाले हैं। धमाका काफी तेज हुआ है, काफी बड़ी आग फैली है। इसके बाद कई जो वहां पे मजदूर थे, महिला मजदूर थे, कई पुरुष मजदूर थे, जो काफी गंभीर रूप से झुलस चुके हैं। फिलहाल कई लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। अब ये धमाका कैसे हुआ, आग कैसे लगी, इसको लेकर के अभी जो पुलिस स्तर से या प्रशासन के स्तर से भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, कोई अधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। धमाका काफी बड़ा हुआ था, मजदूर काफी ज्यादा झुलस गए हैं, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए जो स्थानीय CHC केंद्र है वहां पर भर्ती कराया गया है। बताया भी जा रहा है कि कई मजदूर गंभीर हालत में हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है। तो ये काफी बड़ा हादसा सामने आया है कि पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, कैसे चल रही थी, पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस था नहीं लाइसेंस था, फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन जिस तरह से जंगल के बीच में फैक्ट्री चल रही थी, वो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि जो फैक्ट्री है वो उसका लाइसेंस नहीं होगा, चोरी छिपे फैक्ट्री चल रही थी। बड़ा मामला सामने आ चुका है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा धमाका, कई मजदूर झुलस गए हैं, फिर जिम्मेदारी किसकी तय की जाती है। जी ठीक अश्विनी, लेकिन जब ये धमाका हुआ कितने वर्कर्स अंदर मौजूद थे, क्या इस बात की कोई जानकारी अभी तक? यहाँ के जो सूत्र है, सहयोगी है, वो ये बता रहे हैं कि कई वर्कर काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं उसमें चारपाई के जरिए उनको लिफ्ट किया जा रहा है कारखाने के अंदर से, और कई ऐसी महिलाएं हैं जो कई काफी गंभीर जो झुलसी पड़ी हैं। तो ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद एक अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि कई मजदूर उसमें काम कर रहे होंगे। अभी फिलहाल जो संख्या है घायलों की वो आधा दर्जन बताई जा रही है, ये संख्या बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। फिलहाल हताहत कितने हुए हैं इसके लिए अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। आधिकारिक स्तर से अभी बयान आना बाकी है, जब बयान आधिकारिक स्तर से आ जाएगा इसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। ठीक है अश्विनी, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।